अभी अचरा कर बस 2 मिनट लगा रहा हूँ मैं, लेके निकल रहा फंसने, उसने अपने को फंसता देखते हुए उसने जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी उस पर फायर किया। इनिशियल फायरिंग में उसके हमारे गाड़ी पे जो फायर आया उसमें डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे उनके पैर के पास से गोली निकली है, जो गाड़ी में ही बुलेट फंसी रह गई। उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया। इस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। 8 नवंबर शाम 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है जिसमें कुख्यात आरोपी अपराधी अमित जोश के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और उसके बाद जो कुछ होता है उसको स्क्रीन पर तो आप देख ही चुके हैं। और इसी सिलसिलेवार ब्यूरो के जब मैं बात कर रहा था तो मुझे याद आता है 19 साल पुराना वो किस्सा जो उस समय की हकीकत थी जिस समय एक शख्स को इसी तरह एनकाउंटर किया गया था। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुबोध तिवारी जी, और उस समय से ये तो हमारे हमारे जो काम करने हमारे पत्रकारिता के करियर में ये मेरा पहला ऐसा जो कवर कर रहा हूँ मैं जो एनकाउंटर है। आपने इससे पहले भी कवरेज किया है, उस चीज़ को बारीकी से देखा है, पास से देखा है, क्या हुआ था 19 साल पहले, किस एनकाउंटर का जिक्र लोग कर रहे हैं और किस एनकाउंटर के जिक्र के बाद ये दूसरा एनकाउंटर बताया जा रहा है। एक छोटा सा इतिहास भिलाई का, अगर मैं 2000 के पहले की बात करूं तो तपन सरकार का गैंग काफ़ी हावी था दुर्ग ज़िले में, और दुर्ग ज़िले उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश के भी विभिन्न रेलवे स्टेशनों में उसकी ठेकेदारी चलती थी, उसकी वसूली चलती थी, उसका खौफ था एक पूरे शहर में कि तपन गैंग का फलाना आदमी है, तो लोग वैसे ही दूरी लेते थे। और तपन सरकार के साथ जब एक गैंगस्टर है तो स्वाभाविक है कि शहर में दूसरा भी उसका कोई ना कोई विरोधी पार्टी होगा, तो और भी उसके नाम आते थे तपन के दुश्मनों में, सत्यन माधवन है उसके संगी साथियों में, लोग पहले का भी साथ काम करते थे, फिर जब वर्चस्व की बात आई और अलग अलग फिर चीज़ें होने लगी, भिड़ंत होने लगा। भिड़ंत में फिर हुआ ये कि इन्होंने खुलेआम पावर हाउस चौक पर एक हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद सरगर्मी से पुलिस जो जो ब्रांच थी उस समय, क्राइम ब्रांच थी उस समय, काफ़ी दमदार उस समय अधिकारी भी हुआ करते थे और वे भी विभिन्न थानों में विभिन्न जिलों में पदस्थ भी हैं, तो एक टीम बनाई गई और एक टीम को सौंपा गया कि तमाम इस तरह से जुड़े हुए जो शातिर अपराधी हैं, जिला बदर है, रासुका लगा हुआ है, इनका इनकाउंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो शहर में अमन चैन कायम नहीं हो पाएगा। तो बाकायदा प्लानिंग की गई और तपन सरकार और गोविंद विश्वकर्मा मंगल और तमाम ऐसे जो उनके संगी साथी हैं उनकी खोजबीन में पुलिस लग गई। तो मंगल सिंह जो है वो तो बिलासपुर से उसने आत्मसमर्पण किया, तपन सरकार नागपुर की ओर भाग गया, गोविंद विश्वकर्मा कहीं भागा नहीं, वह दुर्ग में ही दुर्ग जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की उसने सोची और अपने पर जब वह भाग कर यहाँ कहीं छुपा हुआ था तो पुलिस को इनपुट मिला, मुखबिर की सूचना मिली, जैसा कि मुखबिरों के जाल से ही पुलिस सफलता पाती है, तो और जैसी सूचना मिली कि वो इस तरह के किसी कवायद में है और भिलाई में है तो तत्काल टीम उसे खोजने में लगी। उन्होंने पाया कि वह बाकायदा हथियार के साथ भागने या किसी भी तरह के प्रयास में हैं, तो पुलिस जिस तरीके से जब उसके पीछे भागी तो वह दुर्ग रिसाली उतई पाटन वाला जो रोड है वहाँ से निकलने लगा, और एक तरफ जहाँ अभी तालपुरी ट्यून सिटी बसा है अभी, तो उस बसाहट के काफ़ी पहले इस तरफ अगर विपरीत उसके दिशा में देखें मैदान में 5-5, 6-6 फीट की जंगल झाड़ियाँ थी, वह जंगल झाड़ियों से भागने की कोशिश करने लगा। उस समय उसने फायरिंग भी की पुलिस के ऊपर, तो तत्काल उस समय राजीव शर्मा करके जो यहाँ पे क्राइम प्रभारी हुआ करते थे उन्होंने भी फायरिंग की, उन्हें भी एक गोली लगी, बाकायदा बाएँ हाथ में एक गोली लग के निकली, खुना खून हो गया सारा शर्ट उनका पूरा, तो उसके बाद उसी समय फिर जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में गोविंद विश्वकर्मा मारा गया। अब जो आप आपने एक अच्छी बात बताई कि 19 साल पहले एक इतिहास हमेशा दोहराता है, तो इस बार फिर इतिहास दोहराया। अमित जोश जो कि एक शातिर गैंगस्टर है, 35-36 उसके खिलाफ मामले हैं अलग अलग थानों में, रंगदारी के, लूटपाट के, तमाम तरह के, तो इसके खिलाफ भी स्वाभाविक है कि शूट आउट नोटिस जैसा होता है कि जहां दिखे वहां मार दो, इस प्रकार की कवायद में पुलिस घोषित अघोषित तरीके से लग जाती है। तो यही हुआ जो आपने अभी देखा कि हमें जोश भागने के अपने दोस्त के साथ भागने के चक्कर में इधर आया और
क्राइम ब्रांच की हत्या चढ़ गया और यहाँ पर मुठभेड़ में वह मारा गया। कल भी आप लोग यहाँ पर आए थे स्पॉट पे, आने के बाद क्या कुछ आप लोगों ने देखा? हम तो क्या कवरेज किए हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने तर्ज पे क्या कुछ देखिए? मुठभेड़ हो, इनकाउंटर हो, या फिर किसी तरह का कुछ भी, इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, जो पुलिस और अपराधी आमने सामने होते हैं, तो फायर जवाबी फायर होता है। अमित जोश के पास एक तमंचा, जैसे कि पुलिस से बता रही है, उसके पास एक तमंचा था। उस तमंचे से उसके मैगजीन में 8-10 कारतूस थे, और जैसे ही वह अपने दोस्त के साथ इस तरह बाइक से भागने को, छुपने को हुआ, पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। वह स्कॉर्पियो में थी पुलिस, और उसने पुलिस फायर बाद में करी, इसने पहले ही दो फायर कर दिए, जैसा कि मौका मुआयना से आपने भी देखा होगा। दो गोलियां गाड़ी पे लगी है, अगर जो गोली गाड़ी के दरवाजे को छेद करते हुए अंदर गई है, अगर उस समय किसी अधिकारी को लगती तो शायद एक मिसहैपनिंग हो जाती उस दौरान। हम किसी की शहीद की शहादत मनाते किसी की, तो एक उसे बच गई, और पुलिस ने फिर तत्काल उसके साथ जितने अधिकारी थे क्राइम ब्रांच के प्रभारी के साथ, सारे लोगों ने एक साथ उसके ऊपर फायर डाल दिया, और फायर करने पर उसकी तरफ से भी गोली चली, 7-8 इनकी तरफ से भी 7-8 गोली चली। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस की। देखिए, लगातार एक दुर्ग पुलिस की सफलता तो कही जाएगी, लेकिन जब तक शासन यानी शासक जब तक अपने सेनापतियों को, सैनिकों को फ्रीहैंड नहीं करेगा ना, तब तक अपराध पर काबू नहीं पाया जा सकता। और पिछले कई दिनों से लगातार आपने भी कवरेज किया होगा, चाकूबाजी की, लूटपाट की, आपसी विवाद के चलते एक दूसरे की हत्या और जघन्य गंभीर रूप से घायल कर देने के कांड भी लगातार हो रहे थे। पिछले दिनों तो देखा गया था कि 24 से 48 घंटे में 5 से 7 चाकूबाजी के केस हो गए थे। तो स्वाभाविक है कि ये जो इस तरह के मामले होते हैं, दुर्ग पुलिस के लिए सिरदर्दी का साबित होते हैं। और ऐसे में शासक ने जब फ्रीहैंड किया कि किसी भी तरह से अपराध पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, और यह उसी का परिणाम है कि पुलिस ऐसे निर्देशों से, ऐसे संदेशों से, संकेतों से पुलिस फ्रीहैंड होती है, और फिर इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले जो अपराधी हैं वो इस तरह से मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट सुबोध तिवारी जी थे, और हमें भी लगातार ज्ञानवर्धक बातें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना वो पुराना किस्सा भी आपको, आप तक पहुंचाया जाए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरी रिपोर्ट में, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।